कोरोना काल में कोरोना से हुई मौत पर शासन द्वारा 50,000 रुपए आर्थिक मदद मृतकों के आश्रितों को दिए जाने की घोषणा की गई है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि किसी व्यक्ति की कोरोना की वजह से दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है तो ऐसे पीड़ित परिवार के लोग तहसील में फार्म भर कर जमा कर दें। उन्होंने कहा कि जनपद में 848 लोगों का नाम पोर्टल पर दर्ज है। उन्होंने ऐसे लोगों से अनुरोध करते हुए कहा कि तहसीलों में फार्म उपलब्ध है, उस फार्म को भरकर उसके साथ कोविड से हुई मौत का प्रमाण पत्र लगाकर जमा कर दें। जांच के बाद उनके स्वजनों को 50,000 रुपए आर्थिक मदद सीधे उनके दिए गए बैंक के खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी के बहकावे में ना आवे, तहसील पर जाकर फॉर्म भरकर आवेदन कर दें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो 9454476715 मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस आप सबको विनम्रता पूर्वक सूचित करना चाहता हूँ कि यदि आपके परिवार में किसी व्यक्ति की कोविड-19 की वजह से दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई है, ऐसे हमारे जनपद में 848 लोग हैं जिनका नाम पोर्टल पर दर्ज है, ऐसे सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि तहसीलों में फॉर्म उपलब्ध है, आप तहसील में अपने किसी व्यक्ति को भेज दें, फॉर्म ले लें और उस फॉर्म को अगले एक सप्ताह में भर करके वापस दे दें। उसमें आपका जो कोविड-19 का प्रमाण है वो लगा होना चाहिए, आपका आपके घर में जिसकी मृत्यु हुई है उनका विवरण होना चाहिए, जिस अकाउंट में ये 50,000 रुपये की धनराशि जानी है इसका विवरण होना चाहिए। आप सबको मालूम है कि राज्य सरकार के द्वारा ऐसे लोगों को जिनकी कोविड-19 में दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई है उनके वारिसानों को 50,000 रुपये दिया जा रहा है। इसमें किसी मध्यस्थ के चक्कर में ना पड़े, तहसीलों में आवेदन पत्र उपलब्ध है, वहाँ जाएं, आवेदन पत्र ले लें और उस आवेदन पत्र को भर करके दे दें। एक कमेटी है छोटी सी जिसमें आपके आवेदन पत्रों की समीक्षा कर ली जाएगी और पैसा सीधे आपके खाते में चला जाएगा। यदि आपको इस संबंध में कुछ भी कन्फ्यूजन होता है तो आप मेरे मोबाइल नंबर 94-54-41-76-15 पर कॉल करके और हमसे वार्ता कर सकते हैं। यद्यपि इस सब के बारे में जानकारी समय समय पर अखबारों में भी छपती रहेगी और पुनः मैं वीडियो के माध्यम से विस्तार से आपको बता सकूंगा। धन्यवाद।